फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का बीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो डिजीज है वो रेबीज है। आज जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो है रेबीज, और इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रेबीज का। इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताएंगे कि इसको हाइड्रोफोबिया क्यों नाम रखा गया। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो रेबीज है, रेबीज जो डिजीज था, इनका जो खोज किया जॉर्ज जिनके, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज जिनके। बोले कि जॉर्ज जिनके जो था, इन्होंने जो है इनका खोज 1840 में किया। रेबीज का जो खोज किया, रेबीज का जो डिस्कवर किया था वो जॉर्ज जिनके नामक वैज्ञानिक ने 1840 में किया था। इनके जो वैक्सीन है, उनका वैक्सीन जो है वो 1885 में बना, और इनका वैक्सीन बनाया लुई पास्टर ने। लुई पास्टर ने इनका जो है 1885 में इनका वैक्सीन बनाया था। ध्यान दीजिएगा, बोले कि आपको पूछा जाएगा कि जो रेबीज है, रेबीज का जो खोज किया गया, रेबीज का जो पता लगाया उनके बारे में सबसे पहले, तो जॉर्ज जिनके ने सबसे पहले 1884 में लगाया, और उनके बाद जो है इनका जो खोज किया गया, इनका वैक्सीन का जो तैयार किया, इनका जो वैक्सीन बनाया वो 1885 में लुई पास्टर ने इन्होंने जो है सबसे पहले बनाया। ठीक है, चलिए आपको बता दें, रेबीज का जो खोज किया वो जॉर्ज जिनके ने 1884 में किया, और फिर इसका इसी का वैक्सीन जो तैयार किया वो लुई पास्टर ने 1885 में। फिर इनके बीमारी पर राहत मिला, और फिर उनके बाद जो है इनमें बहुत कम बीमारियां जो है देखने को मिलता है रेबीज का। तो चलिए हम बात करेंगे कि रेबीज होता क्या है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को कि जो रेबीज है यह वायरस के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, बोले रेबीज जो है यह वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। ध्यान दीजिए, यह होता है वायरस के द्वारा, जिसको आप लोग विषाणु बोलते हैं। विषाणु यह होता है वायरस के द्वारा, जिसे विषाणु कहते हैं, और इसी विषाणु का नाम है रेबडो वायरस। उसी का नाम है रेबडो। ध्यान दीजिए, हम बोले क्या कि रेबीज जो है, रेबीज एक वायरस के द्वारा होता है, उसी वायरस का क्या नाम है रेबडो वायरस। हम बोले इसी वायरस के द्वारा जो है, रेबीज नाम का बीमारी होती है। अब आपको हम बता दें सबसे पहले कि ये जो वायरस जो है मुख्य तौर पर ऐसे वायुमंडल में तो है ही, इसके अलावा जो है कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल में, यानी समतापी जंतु में। ध्यान दीजिएगा, ये जगह आपको समझना पड़ेगा। वार्म ब्लडेड एनिमल इसी को समतापी जंतु। ध्यान दीजिएगा, ये वार्म, एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एक होता है वार्म ब्लडेड। इसमें क्या होता है, उनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित होता है। ठीक है, जिस तरह से उनमें से हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी वार्म ब्लडेड एनिमल में आते हैं। ठीक है, तो हम बोले कि वार्म ब्लडेड एनिमल में जो जिनमें ये वायरस जिनके शरीर में रहता है वो कौन कौन है, तो इनमें कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, गीदड़ हो गया, बिल्ली हो गया। चलिए, तो कुत्ता, चमगादड़, गीदड़, बिल्ली, इन सबके जो मुंह में जो लार होते हैं, उस लार में रेबडो वायरस रहते हैं। मुंह के लार में जो है रेबडो वायरस रहता है,
जब ये जानवर आप लोगों को काटते हैं, ये जानवर आपको बता दिए वार्म ब्लडेड एनिमल है, समतापी जंतु, इनके शरीर का तापमान एक निश्चित रहता है, मतलब इनको ठंड का महसूस होता है। तो बोले आपको क्या कि ये जो ये जब ये हम लोगों को काटते हैं तो काटने के दौरान जब दांत दांत जो हमारे मांसपेशी में धंस जाते हैं और फिर इनका लार जब हमारे मांसपेशी जहां पर काटा हुआ है वहां पर जब पहुंच जाता है तो लार में जो वायरस रहते हैं रेबडो वायरस, वो वायरस हमारे ब्लड से होते हुए हमारे जो है मस्तिष्क में पहुंचते हैं और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, जिनसी के तो बहुत ज्यादातर क्या होता है कि आदमियों में अगर बहुत जल्द से जल्द अगर ये हमारे शरीर में मस्तिष्क तक पहुंच जाती है तो उन आदमी की जो मृत्यु है वह 5 से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है यदि बहुत जल्दी पहुंच जाए। आमतौर पे ये आपके शरीर में ये वायरस जो है आपके शरीर में जो इफेक्ट डालेंगे वो 2 से 3 महीने के बाद ये इसके लक्षण अपना दिखाई शुरू करता है, मतलब ये रेबडो वायरस आपके शरीर में अगर प्रवेश करता है तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि ये 2 से 3 महीना लग जाता है इसको अपना लक्षण दिखाने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब हमारी नसों में लग जाते हैं, हमारे नसों पे जब वो काट लेते हैं कुत्ते तो उनमें क्या होता है कि उनके बारे जब वो नशे में जब पहुंच जाते हैं तो डायरेक्ट वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर डायरेक्ट वो ब्लड के द्वारा जो है हमारे मस्तिष्क तक में पहुंच जाता है और मस्तिष्क पहुंचने के बाद वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देती है जिनकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये ज्यादातर मांसपेशी में काटता है तो अगर नस में यदि नहीं लगा वेन में नहीं गया तो उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो उसमें जो है आप लोगों को 2 से 3 महीना किसी किसी में देखा गया कि साल भर लग जाता है, एक वर्ष भी लग जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को यहाँ पर हम कुछ आप लोगों को बात बता देते हैं जो कि हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं कि उनको जो झाड़ फूंक कर दिया तो जहर उतर जाएगा, ऐसा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, है ना। क्योंकि आपको बता दें वो कोई बाबा जादू टोना नहीं, क्या वो वायरस है, ये रेबडो वायरस है, रेबडो वायरस कोई बाबा नहीं है, इनको भगवान नहीं है, इनको कोई ईश्वर नहीं है, मतलब कोई भूत पिशाच नहीं है, इनको मुर्गा दे देंगे तो ये उतर जाएगा, समझ रहे बात को, गांजा पिलाने उतर जाएगा, ऐसा नहीं, ये वायरस है। जिस तरह से अभी कोरोना काल में कोरोना वायरस है, इनको आप लड्डू चढ़ाइए बत्तू चढ़ाएंगे थोड़ा उतरने वाला है, कुछ नहीं होगा, वो बीमारी है तो बीमारी है, आपको बता दें। वही बोले आपको रेबडो वायरस है तो अक्सर करके बहुत सारे आदमी क्या होता है कुत्ता काट लेने के बाद जो है उनको झाड़ फूंक कराना, थरिया सटाना है ना, थाली को उसके पीठ से सटाना शुरू कर देता है, उनसे जहर नहीं उतरता है, आप लोगों को बता देते हैं। थाली उनमें जो अगर उनमें अगर चिपक रहे पीठ में तो वो उसके बीच में जो हवा नहीं रहते हैं ना, उसके बीच में हवा नहीं रहती इसलिए वो चिपक जाते हैं ना, उसमें कोई जहर का वहां पर नहीं है, शक्ति उनको आकर्षित कर लेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर आपको बता दी कि इस भ्रम में नहीं रहना है आप लोगों को कि झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं, आपको अगर कोई भी सब इस तरह में जानवर अगर कुत्ता बिल्ली यदि आपको काट लेता है तो आप सरकारी अस्पताल पहुंचिए, वहां पर जो इनके वैक्सीन अवेलेबल है HDCV उसी को बोलते हैं ह्यूमन डेवलप्ड सेल वैक्सीन, HDCV वैक्सीन जो वो अवेलेबल है वहां पर, आप जाइए वहां पर वैक्सीन लीजिए और आप उनसे ठीक रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दिए कि भ्रम में नहीं रहना है आप लोगों को, क्योंकि भ्रम में रहने के बाद जो है ना आपकी आप छोड़ दे ध्यान नहीं दिया आप लोग बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको 2 महीना 3 महीना या साल भर के बाद जो है अपना इफेक्ट डालना शुरू करेगा आपके शरीर में, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो रैबीज है ये रैबीज किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, उसी वायरस का नाम है रेबडो वायरस। ठीक है, और ये रेबडो वायरस किसके द्वारा होता है, समतापी जंतु जो वार्म ब्लडेड एनिमल जो जैसे कुत्ता चमगादड़ गीदड़ बिल्ली होता है, जब भी हम लोगों को काटते हैं काटने के दौरान इसके मुंह से जो निकलने वाला लार है उसी लार में रेबडो वायरस का वही लार जब हमारे प्रवेश करता है तो हम लोगों में रेबीज जैसी बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए हम बोले इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर, इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इनके जो संक्रमण काल होता है 2 से 3 मंथ का होता है, 2 से 3 मंथ का होता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी से हम लोगों का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम लोगों का नष्ट होता है, क्षति होती है। ठीक है, मान लीजिए पूछा जाएगा कि रैबीज में हमारे शरीर का कौन सा पार्ट जो कौन सा भाग जो क्षति होता है, क्या बोलेंगे हमारे शरीर में वो तो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो वो नष्ट होती है। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर बता दिए, अब हम चलते हैं इनके जो सिम्टम्स हैं, वो हम आपसे इनके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें इनके जो सिम्टम्स हैं, उसका लक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए हम इनके सिम्टम्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बुखार रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सिर में दर्द कराना, बुखार कराना। अगला, गला में दर्द कराना,
तरल पदार्थ को जब आप निगलते हैं, जब आप पीते हैं तो दर्द में तकलीफ होती है, यानी कि आपको तकलीफ महसूस होगा आपको, ठीक है। सबसे पहले सिर में दर्द का रहना, दूसरा बोले बुखार का रहना, अगला बोले गला में दर्द का रहना, मतलब आप कोई भी तरल पदार्थ को आप पीते हैं खाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर गले में दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। जहां पर ये वार्म ब्लडेड एनिमल जो है संतापी जंतु, जहां पर आपको काटा हुआ है, जहां पर घाव बना हुआ है, वहां पर जो है आपको जलन सा महसूस होगा, उनमें जलन सा महसूस होगा आपको, ठीक है। अगला आपको बताए कि अगला बोलेंगे आपको कि तेज रोशनी और ठंडी हवाएं को बर्दाश्त करने की क्षमता आप धीरे धीरे खोने लगेंगे, है ना, उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है वो जो है असहनशील होते जाएगा, मतलब आपके वो आपको वो क्षमता आपका जो है वो जो है आप नहीं कर पाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब जो आपको जो अगला भी आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका बीमारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब ये बीमारी आपके शरीर में प्रकट हो जाएगा मतलब पूरी तरह से, तो आपको पानी से डर लगेगा। पानी जो तालाब हो गया, नदी हो गया, है ना, कुआं हो गया, इनमें जो पानी रहेंगे, पानी से आपको डर लगेगा, है ना। तो पानी से जो डर लगता है उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, है ना। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब बीमारी, है ना, मतलब क्या हो गया कि जल से जो डरेंगे उसी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वही बोले कि रेबीज का जो है, इस रेबीज का ही दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, क्योंकि इसमें आदमी जल से डरते हैं इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आपको हम लक्षण बता दिया आप लोगों को। चलिए अब जो हम बात करेंगे इनके इनका ट्रांसमिशन का, जिसको संचरण कहते हैं। चलिए इनका जो ट्रांसमिशन है, इनका जो संचरण हुआ, हम आपको बता दें। सबसे पहले कि बीमारी से ग्रसित आदमी के लार के द्वारा, अगर इस बीमारी से ग्रसित अगर आदमी कोई है और उनका अगर भोजन के दरमियान उसका मुंह से लार अगर थाली में गिर गया और उसी में और अगर कोई स्वस्थ आदमी अगर भोजन को खा रहा है, अगर भोजन मिल गया तो उनको भी जो है ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो इस बीमारी से ग्रसित आदमी अगर किसी को अगर काट लेता है, हापक लेता है, मुंह से अगर काट लेता है तो उनको भी होने की संभावना है। वही बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी के लार से, दूसरा ये संतापी जंतु जैसे हो गया कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, गीदड़ हो गया, बिल्ली हो गया, इनके काटने से भी ये फैलती है, ठीक है। चलिए अब जो इनका हम आपको बता दें संचरण कैसे हो, अब इनका प्रिवेंशन जो रोकथाम को बता रहे हैं। सबसे पहले घर में जो पालतू कुत्ता जो आप मतलब लाएंगे कि उनको रखने के लिए पालतू बनाएंगे उनको, तो सबसे पहले उनको जो है इनके रेबीज का जो टीका आता है वो टीका को पहले सबसे पहले उनको लगाना है। उनके बाद दूसरा अगर कहीं पर आपको संतापी जंतु अगर काट लेते हैं, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इस तरह का अगर जानवर आपको काट लेता है तो वहां पर जो है जैसे काटा तुरंत जो है आप क्या करेंगे, गर्म पानी से उनको धोएंगे, डिटोल से उनको अच्छी तरह से उनको धोएंगे, ठीक है। और जल्द से जल्द जाके जो है आप क्या करेंगे, रेबीज का जो टीका आता है HDCV, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है HDCV, जल्द लगाना, इसी को बोलते हैं ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है। जल्द से जल्द इनको क्या करना, लगवाना आपको, है ना, जैसे कटा आपको जल्दी से आपको क्या करना, डॉक्टर जाके जल्द से जल्द इनको लगवाना, ठीक है। वही बोले अगला बोले क्या बोले कि इस बीमारी से ग्रसित आदमी को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। हम आपको बोले सबसे पहले क्या, इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना। हम बोले सबसे पहले अपन में क्या कि जो रेबीज जो है इनमें सबसे पहले आपको बताया कि आप जो घर में कुत्ता को जो पालने के लिए लाएंगे तो सबसे पहले रेबीज का टीका लगाना है, ठीक है। दूसरा क्या बोले कि अगर आपको कोई संतापी जंतु काट लेता है, जैसे कुत्ता चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, गीदड़ हो गया, अगर ये सब कोई काट लेता है आपको तो वहां पर काटा हुआ भाग को गर्म पानी से या तो फिर डिटोल से अच्छी तरह से धोलेंगे, ठीक है। दूसरा बोले क्या कि तुरंत जो है ये धोने के बाद जो है आपको क्या करना, HDCV, ध्यान दीजिए, HDCV ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन का यूज करना है, तुरंत वैक्सीन लगवाना, ठीक है, और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। धन्यवाद। तो आज आप लोगों को जो रेबीज था वो हम आपको बता दिए, इनमें जो अंधविश्वास में जो हम लोग जी रहे थे वो भी हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है। धन्यवाद।